लिए जो इलिप्स की सेंट्रिसिटी होती है ना, अगर मैं इलिप्स की बात करूँ तो इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, पहली इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर वो फिक्स पॉइंट एस दिया हुआ है और वो वेरिएबल लाइन दी हुई है एल इक्वल टू 0 और ये फिक्स पॉइंट दिया हुआ है x1 कॉमा y1, तो एक वेरिएबल पॉइंट पी का लोकस निकालते हैं जिसकी इस फिक्स पॉइंट और इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कॉन्स्टेंट होता है। तो वही चीज हो गई, PS/PM इक्वल टू ई, ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो गई, तो इसी को कहते हैं PS² इक्वल टू E²PM²। ये आपकी इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गई। ठीक है, ये वाला फिक्स पॉइंट जिसे हम क्या कह देते हैं फोकस ऑफ द इलिप्स, और ये फिक्स लाइन जो होती है जिसे हम क्या कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स। तो इलिप्स की इक्वेशन निकालने में भी हम वही सेम रिजल्ट यूज करते हैं जो हमने पैराबोला की इक्वेशन निकालने में यूज किया, और उसके हिसाब से हम इलिप्स की इक्वेशन भी सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। यहाँ तक सारी बात समझ में आ रही है? तो अगर वो फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता है, वो फिक्स लाइन हमको पता है, तो इस वेरिएबल पॉइंट पी का लोकस इस ई वाली कंडीशन पे इसेंट्रिसिटी 0 से 1 लेकर हम आराम से बना सकते हैं, और उसके हिसाब से हम ये सेम कंडीशन लगा देंगे तो हमको इलिप्स की इक्वेशन का रिजल्ट मिल जाएगा। अब अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात करें, ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स में दो रिजल्ट है हमारे पास। एक है x²/a² प्लस y²/b² x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1, जहाँ पे a b से ग्रेटर होता है, और एक है x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1, जहाँ पर b a से ग्रेटर होता है। इसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल इलिप्स, इसे हम कहते हैं वर्टिकल इलिप्स। समझ में आया? अच्छा, अब अगर मैं बाई ज्योमेट्री आपको इलिप्स के बारे में समझाऊं, तो एक्चुअल में इलिप्स में दो एक्सिस होते हैं, मेजर और माइनर एक्सिस। ये हो गया हॉरिजेंटल इलिप्स का डायग्राम, जहाँ पे ये सेम हो गया x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1, और a की वैल्यू b से ग्रेटर होती है, तो ये इलिप्स हो गया हॉरिजेंटल इलिप्स। समझ में आया कि नहीं? जो ये a होता है वो b से क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, तो इस इलिप्स को आप कहते हैं दिस इलिप्स इज हॉरिजेंटल इलिप्स। क्लियर? अच्छा, बाकी सारी डेफिनेशन सेम है भाई। क्या होगा, एक वेरिएबल लाइन होगी, एक लाइन होगी जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे, एक फिक्स पॉइंट होगा जिसे हम फोकस कहेंगे, उस फिक्स पॉइंट और उस फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, वही होगा PS/PM। PS/PM इज ई, और ये 1 से छोटा होगा, तो ये जो P का लोकस आएगा ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हम एक लाइन खींचेंगे, सही है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे जिसे हम कहेंगे एक्सिस। तो ये हो गई मेजर एक्सिस, जो कि कहाँ से पास कर रही है, फोकस से। अच्छा, यही चीज यहाँ दूसरे फोकस के लिए होती है, तो इलिप्स के केस में दो फोकस होते हैं F1 एंड F2। तो जब एक फोकस के लिए डायरेक्ट्रिक्स है तो दूसरे फोकस के लिए भी करस्पॉन्ड डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स होती है। इस एक्सिस को हम नाम देते हैं माइनर एक्सिस। ये ज्योमेट्रिकल सारी चीजें। अच्छा, डबल ऑर्डिनेट सेम लॉजिक, एक ऐसी लाइन जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और इनसाइड द कोनिक होगी उसे हम कहेंगे डबल ऑर्डिनेट। ये तो वही सेम डेफिनेशन पैराबोला में जैसी थी, दैट इज डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, अच्छा, जो डबल ऑर्डिनेट कहाँ से पास करेगा भाई, फोकस से, उसे हम क्या कह देते हैं, लैटस रेक्टम। तो वही सेम चीज हो गई, ये लाइन क्या हो गई भाई, लैटस रेक्टम। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दो फोकस हैं तो हर चीज डबल मिलाई करेगी। जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं उसे हम कहते हैं सेंटर। जहां पे दोनों मेजर और माइनर एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं उसे हम कहते हैं सेंटर पॉइंट। ये हो गए वर्टेक्स ऑफ मेजर एक्सिस a एंड a'। ये हो गए वर्टेक्स ऑफ माइनर एक्सिस b एंड b'। सही है, ये लेंथ अगर हम निकालेंगे a a', तो ये होती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। सही है, और अगर हम ये लेंथ निकालेंगे बी से बी डैश की, ये वाली लेंथ यहां से लेके यहां तक, तो इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी सिनारियो हो गए हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए। यहीं पे अगर हम एक वर्टिकल इलिप्स बना दें, यहीं पे अगर हम क्या बना दें,
एक वर्टिकल इलिप्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन है और ए बी से लेस है तो अब इलिप्स हॉरिजेंटल नहीं, हमारा कैसा होगा? वर्टिकल। दोनों इलिप्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों के बच्चा बाकी ज्योमेट्री वाइज सारी चीजें सेम है। अब जो फोकस होगा वो एक्स एक्सिस पे नहीं वाई एक्सिस पे आ जाएगा, क्योंकि अब ये वाली लाइन जो है वो माइनर एक्सिस हो जाएगी और ये वाली लाइन मेजर एक्सिस हो जाएगी। ऑब्वियसली डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर पासेस थ्रू फोकस वो लाइन मेजर एक्सिस होती है। डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर पासेस थ्रू फोकस वो लाइन क्या होती है? मेजर एक्सिस। अब जो वेरिएबल पॉइंट पी होगा उसके इस फिक्स पॉइंट और इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो अभी भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो बस ये डायग्राम आपके दिमाग में बने होने चाहिए। ये F1 एंड F2 होगा, ये लाइन क्या हुई डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन क्या हुई डायरेक्ट्रिक्स। तो ये अब ए बी से ग्रेटर होगा तो ये हॉरिजॉन्टल में सारे रिजल्ट लगेंगे, जब बी ए से ग्रेटर होगा तो वर्टिकल में। ये पॉइंट जहाँ दोनों एक्सिस कट कर रहे हैं वो सेंटर हो जाएगा, सही है। ये लाइन डबल ऑर्डिनेट होगी, ठीक है, ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो सेंटर से पास करेगा लैटस रेक्टम बन जाएगा, एक ही लैटस रेक्टम होगा, एक ही लैटस रेक्टम हो जाएगा, सही है। इसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो ऑब्वियसली ये अब जो बी और बी डैश होगा वो माइनर मेजर एक्सिस के पॉइंट हो जाएंगे और जो ए और ए डैश होगा वो माइनर एक्सिस हो जाएगा। तो ये है हॉरिजॉन्टल का रिजल्ट, ये है वर्टिकल का। क्लियर है? बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इनके रिजल्ट्स में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन है तो अगर हम मेजर एक्सिस की बात करें तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा एक्स एक्सिस इज द मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस इज द माइनर एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस हो गई मेजर एक्सिस, दैट इज वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। माइनर एक्सिस हो गई वाई एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज वाई एक्सिस। अगर हम एंड पॉइंट की बात करें तो ये वाला जो एंड पॉइंट ए आता है ये होता है ए कॉमा जीरो और ये वाला हो जाता है माइनस ए कॉमा जीरो। तो ये जो मेजर एक्सिस की लेंथ आ जाती है, ये आ जाती है टू ए, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज टू ए, सही है। अच्छा एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस हो गई एक्स इक्वल टू जीरो, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस टू बी हो गई, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ माइनर एक्सिस अगर आप निकालेंगे तो वही बी कॉमा जीरो कॉमा बी एंड जीरो कॉमा माइनस बी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका जीरो कॉमा बी, ये आपका आ जाएगा जीरो कॉमा माइनस बी। तो ये वाली लेंथ अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगी टू बी। यहाँ तक एकदम क्लियर है? अच्छा अब बात आती है फोकस की। तो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस ए कॉमा जीरो और डायरेक्ट्रिक्स होती है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, समझ में आया? तो अगर हम फोकस एफ वन और एफ टू की बात करें तो ये वाला होता है ए कॉमा जीरो, ये वाला फोकस होता है माइनस ए कॉमा जीरो। ये डायरेक्ट्रिक्स होती है एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। क्लियर है? तो दो फोकस होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस ए बाई ई, करस्पॉन्ड फोकस के करस्पॉन्ड डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। समझ में आया? करस्पॉन्ड फोकस के लिए करस्पॉन्ड डायरेक्ट्रिक्स लेते हैं इक्वेशन में, मतलब अगर आप फोकस ले रहे हैं ए कॉमा जीरो तो आप अपनी डायरेक्ट्रिक्स लेंगे एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई, अगर आप फोकस ले रहे हैं माइनस ए कॉमा जीरो तो आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। अब बात आती है क्या इलिप्स की इसेंट्रिसिटी की। तो अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स की हम बात कर रहे हैं तो उसकी इसेंट्रिसिटी होती है e स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ जो इसेंट्रिसिटी का हम रिजल्ट लेते हैं वो लेते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर से। समझ में आया कि नहीं? तो ये रिजल्ट के हिसाब से अगर आप इसेंट्रिसिटी e की वैल्यू निकालोगे तो वो वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आती है। अच्छा इसको ध्यान में रखने का तरीका सिंपल है कि b की वैल्यू a से ग्रेटर होती है, सॉरी b की वैल्यू a से लेस होती है, तो ये एसेंट्रिसिटी 1 से कम होनी चाहिए। तो जो चीज स्मॉलर है उसको ऊपर रख दो, जो चीज ग्रेटर है उसको यहाँ रख दो। मेरी बात समझ में? अच्छा इसी फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस माइनर बाई मेजर, माइनर एक्सिस की लेंथ बाई मेजर एक्सिस की लेंथ, क्यों? ऑब्वियसली 2b बाई 2a लिख दो और उसका स्क्वायर करके माइनस कर दो तो कोई फर्क नहीं। तो इसेंट्रिसिटी हमेशा यही होती है 1 माइनस मेजर बाई माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर, और इसका आप जब लेते हैं तो क्या लेते हैं रूट।
रूट ऑफ वन माइनस मेजर एंड माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर, ये आपकी इसेंट्रिसिटी का जनरल रिजल्ट है। तो जो भी मेजर एक्सिस होगी, जो भी माइनर एक्सिस होगी, वो आप आराम से डिसाइड कर लेंगे। मेजर एक्सिस छोटी लेंथ की होगी, माइनर एक्सिस बड़ी लेंथ की होगी। तो अगर ए बी से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली बी बाई ए लिखना है, अगर बी ए से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली ए बाई बी लिखना है। वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके लिख लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद बात आती है लैटस रेक्टम की। तो ऑब्वियसली लैटस रेक्टम की अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम, तो वो हो जाता है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई। समझ रहे हो कि नहीं? इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो इक्वेशन हो जाती है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई। तो आप उसी इक्वेशन को लैटस रेक्टम कंसिडर करके आराम से सिंप्लीफाई करके रिजल्ट बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो डायरेक्ट्रिक्स के क्या, उसके डायरेक्ट्रिक्स से क्या होगा, पैरेलल, और कहाँ से पास करेगा, फोकस से। तो x is equal to plus minus a। अगर हम लेंथ की बात करें तो 2b square by a होती है, 2b square by a, इसी को हम कहते हैं 2a into 1 minus a e square। तो दोनों रिजल्ट हैं, आप ये दोनों रिजल्ट ध्यान रख सकते हो। टू अगर a और e पता है तो b निकालने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा 2a 1 minus e square लगा देंगे और सिंप्लीफाई। सेम लॉजिक है यहाँ पर, जो b square है उसकी जगह a square 1 minus e square रख दिया गया है, बस और कुछ नहीं। सही है, वरना 2b square by a होता है। अच्छा, एंड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालोगे तो चार कोऑर्डिनेट इसमें एंड पॉइंट में आ जाएंगे। एक ये, एक ये, तो दो x equal to a के करस्पॉन्ड और दो x equal to minus a करस्पॉन्ड। तो ये a comma b square by a comma minus b square by a minus a comma b square by a और minus a comma minus b square by a। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट हो गए हॉरिजॉन्टल के लिए। अच्छा, वर्टिकल में क्या होता है, जैसे हम हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में आते हैं तो x और y की चीजें चेंज हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली अब जो मेजर एक्सिस थी वो माइनर बन जाती है, जो माइनर एक्सिस है वो मेजर बन जाती है। फोकस से कोऑर्डिनेट में भी एक्स और वाई चेंज हो जाते हैं। तो जीरो कॉमा प्लस माइनस बी, ये हो जाता है वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी ई। यहाँ पे अगर इसेंट्रिसिटी देखोगे तो ऑब्वियसली वन माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि अब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ए 2a हो जाती है और मेजर एक्सिस 2b हो जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें लैटस रेक्टम की लेंथ, तो 2a स्क्वायर बाय b हो जाती है। अब जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं वो आ जाते हैं प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय b कॉमा प्लस माइनस b। सही है, क्यों? क्योंकि अब जो इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम आ जाती है वो b इक्वल टू प्लस माइनस b आ जाता है, बस ये फर्क है। तो ये हॉरिजॉन्टल के सारे रिजल्ट हो गए और ये वर्टिकल के, अंतर सिर्फ इतना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इलिप्स में। मतलब अगर मैं इसकी ज्योमेट्रिकल एनालिसिस आपके सामने करूं तो ये ज्योमेट्री हॉरिजॉन्टल है, ऐसे करके दिख रही है इलिप्स की ज्योमेट्री। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ज्योमेट्री वर्टिकल है और ये ऐसे दिख रहा है, बस ये फर्क है। ये। तो अगर a की वैल्यू b से ग्रेटर है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, अगर b की वैल्यू a से ग्रेटर है तो वर्टिकल, बस ये है फर्क। इसके हिसाब से सारे रिजल्ट आप लगा देते हैं जहां जैसी सिचुएशन की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। समझ में आया? अगर वर्टिकल इलिप्स है तो सब y एक्सिस के अलॉन्ग आप लगा देंगे, क्योंकि उसमें जो फोकस होंगे वो y एक्सिस पे लाई करेंगे। हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो सब हॉरिजॉन्टल के हिसाब से आप लगा दें। अब सिचुएशन हार्डली क्या होगी, हार्डली स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, अगर मैं इलिप्स की बात कर जाऊं तो बहुत टफ सिचुएशन में अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन डील हो रही होगी तो ऐसे दी होगी, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो a और b देख के हम जज कर लेंगे कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, और इस x माइनस अल्फा को थोड़ी देर के लिए हम कैपिटल x मान लेंगे, इस y माइनस बीटा को थोड़ी देर के लिए कैपिटल y मान के इसको कैपिटल x बाई ए स्क्वायर कैपिटल y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन बना देंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा, उसके हिसाब से हम कैपिटल x कैपिटल y में रिजल्ट निकाल के बाद में सारे रिजल्ट को हम स्मॉल x स्मॉल y में कन्वर्ट कर लेंगे। सही है, अब अगर a b से ग्रेटर है तो क्या रिजल्ट लगेंगे वो मैंने आपको बता दिया, b a से ग्रेटर है तो क्या रिजल्ट लगेंगे वो मैंने आपको बता दिया। उसके हिसाब से आप सारी चीजें एनालिसिस करके निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमें इसेंट्रिसिटी डिस्कस करनी है तो हमें a और b का रेशियो चाहिए। अगर हमें a और b का रेशियो मिल गया तो हम इसेंट्रिसिटी आराम से डिस्कस कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात हो गई। अब जहां जैसी सिचुएशन की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी वहां हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के हिसाब से सेम एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हमें एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन दी हुई है और इसेंट्रिसिटी दी हुई है तो PS by PM equal to E करके हम इस इलिप्स की इक्वेशन डिस्कस कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड फॉर्म के सारे रिजल्ट हमारे पास है, वो हम आराम से सिंप्लीफाई करके आराम से लगा सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ, बोलिए यहाँ तक सारी चीज समझ में आई भाई, नहीं आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बता सकता है भाई,
डन है भाई मामला। एक चीज इसमें नहीं लिखी हुई है, दैट इज सेंटर ऑफ द इलिप्स, उसको लिख लीजिए 0 0। सेंटर ऑफ इलिप्स तो वो 0 0 होता है, यहाँ भी 0 0 होता है और यहाँ भी 0 0 हो जाता है। तो सेंटर ऑफ द इलिप्स जो है वो 0 0 होता है। ऑब्वियसली सेंटर का मतलब होता है जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट, तो उसे हम कहते हैं सेंटर। उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर। और एक्सिस ऑलवेज कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। मेजर और माइनर एक्सिस हमेशा कैसे होते हैं भाई, परपेंडिकुलर। तो वो आपका हेडक नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन के बाहर की चीजें आपके सामने जनरली आएंगी नहीं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन पे ही फोकस रखिएगा। बहुत ज्यादा क्या होगा, एक्स और वाई में स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी, तो एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा को आप क्या ले लेंगे, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। उसके हिसाब से कैपिटल ए और कैपिटल बी में जज कर लेंगे कि अगर ए बी से ग्रेटर है तो हॉरिजॉन्टल वाले सारे रिजल्ट लगा देंगे, बी अगर ए से ग्रेटर है तो वर्टिकल के सारे रिजल्ट लगा देंगे। फिर इसको आप स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में कन्वर्ट करके अपना जो भी एनालिसिस करना चाहते हैं वो आप सिंप्लीफाई करके दे देंगे। क्या ये बेसिक रिजल्ट की चीजें सबको क्लियर हुई? वर्टिकल ये एनालिसिस करना, तो ऑब्वियसली अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन वन अपॉन फाइव वाई स्क्वायर अपॉन वन अपॉन फोर इक्वल टू वन दिया हुआ है, सही है ना। तो ऑब्वियसली अब हमें पता है क्या कि वन अपॉन फोर और वन अपॉन फाइव में वन अपॉन फोर वन अपॉन फाइव से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये इलिप्स कैसा हो गया, वर्टिकल इलिप्स हो गया कि नहीं। जैसे ही डिसाइड हुआ कि ये वर्टिकल इलिप्स है तो सारे रिजल्ट वर्टिकल इलिप्स के हिसाब से लगेंगे, हाँ या ना। अब अगर हम वर्टिकल इलिप्स की सेंट्रिसिटी देखें तो वो होती है रूट अंडर वन माइनस माइनर एक्सिस यानी कि 1/5, मेजर एक्सिस यानी कि 1/4। समझ में आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगा दिया तो वही आ गया 1 - 4/5, तो इसी को हम कह सकते हैं 1/√5। ये आपकी सेंट्रिसिटी आ गई, समझ में आया कि नहीं भाई। अच्छा, यहीं पे अगर आप बात करें किसकी, फोकस की, तो अब इस केस में फोकस कितने होते हैं, 0 + ± BE। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 1/√5 आ रही है, सही है, और बी की वैल्यू जो है वो 1/2 आ रही है। अगर हम एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपेयर कर ले, सर 1 - B² / A² होता है क्या बेटा? नहीं, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के हिसाब से बेटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के हिसाब से, तुम यही तो कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे मेजर और माइनर होता है, ई में 1/25 होगा ना। स्क्रीन चली गई सर, वही देख रहा। ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है ना, उसके हिसाब से। अच्छा, ये 0 + ± BE हो गया। ये बी ई वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि ये वर्टिकल इलिप्स है ना, तो सारे रिजल्ट वर्टिकल इलिप्स के लगेंगे, ठीक है ना। वो रिजल्ट की टेबल आपने बनाई है ना, उसके हिसाब से आप बताओ फोकस क्या हो गया, 0 + ± BE हो गया, 0 + ± BE आपके पास 1/2 है, तो 1/2√5 हो गया कि नहीं, ये बोलो। नहीं समझे क्या, ये बात समझ में आ रही है? फोकस 1 + ± 2√5 हो गया, बोलो। नहीं समझे मेरी बात? अरे हाँ या ना। और अब आपसे अगर मैं सेंट्रिसिटी हो गई, फोकस हो गया, अच्छा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बताओ कितना आएगा। ऑब्वियसली अगर वर्टिकल इलिप्स है तो 2a² / b होगा, तो 2a² की वैल्यू 1/5 और b की वैल्यू जो है वो 1/2 है, तो क्या ये 4/5 आ गया। तो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर में कंफ्यूजन ध्यान रखिएगा, तो उसके हिसाब से आप तुरंत रिजल्ट लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या ये पूरी बात सबको समझ में आ रही है, नहीं आई बताओ, कहाँ पे कौन कन्वर्ट करो। और स्टैंडर्ड फॉर्म में बस ये ऑब्जर्व कर लो कि आपका इलिप्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो अगर ए बी से ग्रेटर है तो हॉरिजॉन्टल का केस लगा दो, और अगर बी ए से ग्रेटर है तो वर्टिकल का केस लगा दो, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें तुम पहले क्या करोगे, वाई में परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो 9x² ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ से 5 कॉमन करोगे तो y² - 6y आ जाएगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ 6 आ गया, 9 और चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ 45 और लेना पड़ेगा, तो 9 × x² 5 × y - 3² = 45 आएगा। तो x² / 5 y - 3² / 9 = 1। देखो कुछ ऐसे ही आ रहा है क्या, अभी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ये बताओ बस।
तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर से छोटा है, दिखा कि नहीं बताओ। तो ऑब्वियसली जो है बी ए से ग्रेटर है, तो इसका मतलब अभी भी कौन सा इलिप्स है बताओ, वर्टिकल इलिप्स है कि नहीं है बोलो। तो अभी भी जो आप रिजल्ट लगाएंगे वो किसके लगाएंगे, वर्टिकल इलिप्स के लगा देंगे। मेरी बात समझ में आ रही? बस अब फर्क सिर्फ इतना है कि जहां जहां वाई है वहां वाई नहीं, वहां पे वाई माइनस थ्री लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप तुरंत कैपिटल वाई को क्या लेके चलेंगे, वाई माइनस थ्री। कैपिटल एक्स को तो आप स्मॉल एक्स ही लेंगे। तो अब ये कैपिटल एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्या है मेरी बात समझ में आ रही है भाई? कैपिटल एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और कैपिटल वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन आ जाएगा। अब इससे जो आपके रिजल्ट बनेंगे वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के टर्म में निकाल के बाद में आप उसको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में रिप्रेजेंट कर लेंगे। चलिए आ जाइए, सबसे पहले एसेंट्रिसिटी की बात करते हैं। तो एसेंट्रिसिटी में सीधा वन माइनस स्मॉलर बाई लार्जर, तो स्मॉलर कितना है रूट फाइव और लार्जर कितना है भाई थ्री, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, सही है ना? तो फाइव बाई नाइन आ गया, तो क्या ये टू बाई थ्री आ रहा है? देखो एसेंट्रिसिटी आराम से टू बाई थ्री आ जाएगी। नहीं, आप वन माइनस सीधा बी स्क्वायर बाई स्क्वायर लगा दो, तो ऑब्वियसली स्मॉलर बाई लार्जर करोगे तो इसमें स्मॉलर ए है लार्जर बी है, तो वन माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। दिखा भाई एसेंट्रिसिटी सबको कि नहीं बताओ? गुड। अगला है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, अब चूंकि वर्टिकल इलिप्स है तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई होगी। अच्छा, y का मतलब हो गया y माइनस थ्री इक्वल टू प्लस माइनस, b का मतलब हो गया थ्री, e का मतलब हो गया टू बाई थ्री। दिख रहा है कि नहीं बताओ भाई, बोलिए? तो ये आ गया y इक्वल टू थ्री प्लस माइनस नाइन बाई टू, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया y इक्वल टू फिफ्टीन बाई टू एंड y इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। तो ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स आ गई। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, ये बताओ, बोलिए भाई? अब अगर हम यहीं पे फोकी की बात करें, मतलब फोकस की बात हमें करनी है, तो ऑब्वियसली फोकस का कोऑर्डिनेट आप क्या कहते हैं, जीरो कॉमा प्लस माइनस बी हो जाता है, यानी कि कैपिटल एक्स यानी कि स्मॉल एक्स तो जीरो ही हो जाएगा। अच्छा, बट वाई माइनस थ्री यानी कैपिटल वाई प्लस माइनस बी, बी का मतलब हो गया थ्री और ई का मतलब हो गया टू बाई थ्री, तो जो वाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा थ्री प्लस माइनस टू। तो इसका मतलब अगर मैं वाई की वैल्यू यहाँ से देखूंगा तो एक फाइव आएगी, अरे हाँ ना, और एक कितनी आ रही है वन, तो यानी कि अगर मैं फोकस से कोऑर्डिनेट देखूं तो वो हो जाएगा जीरो कॉमा वन एंड जीरो कॉमा फाइव। क्या ये बात सबको समझ में आई, बताओ भाई? सिंपल कन्वर्जन है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अगर मैं लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम की बात करूँ, चूंकि वर्टिकल इलिप्स है तो वो तो टू ए स्क्वायर बाई बी होगा टू, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है फाइव और बी की वैल्यू कितनी दी हुई है थ्री, तो क्या वो आंसर 10 बाई 3 आ जाएगा, अरे हाँ या ना। अच्छा, अब बात आती है एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम की। एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम, अगर मैं कैपिटल ए कैपिटल मतलब स्मॉल कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के हिसाब से चलूंगा तो एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम जो है वो आते हैं प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी कॉमा प्लस माइनस बी ई। अच्छा, प्लस माइनस बी ई, ये वाली डीलिंग आप कर ही चुके हो, वन और फाइव आता है, मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, ए स्क्वायर बाई बी इसका हाफ निकाल लो तो वो आप निकाल ही चुके हो, फाइव बाई थ्री आता है, सही है ना? तो इसका मतलब एंड पॉइंट ऑफ लेटर रेक्टम कितना आएगा, प्लस माइनस फाइव बाई थ्री कॉमा एक आ जाएगा वन, भाई प्लस माइनस बी ई लेना है ना, तो अगर हम प्लस बी ई की बात करेंगे तो फाइव आ जाएगा और माइनस बी ई की बात करेंगे तो वन आ जाएगा। तो ये एंड पॉइंट ऑफ लेटर रेक्टम हमने डायरेक्ट उठा के लिखी है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ? कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो कहीं भी बताओ। अगर यहीं पे मैं आपसे पूछता लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहीं पे मैं आपसे पूछता लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है टू बी, क्योंकि इसमें बी ए से ग्रेटर है ना, तो टू बी की लेंथ अगर आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी सिक्स। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा टू ए, तो उसकी लेंथ अगर आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी टू रूट फाइव। यहीं पे मैं अगर आपसे पूछ लूं सेंटर कितना आएगा, तो सेंटर जो होता है वो जीरो कॉमा जीरो होगा, है कि नहीं, यानी कैपिटल एक्स जीरो कैपिटल वाई जीरो, तो कैपिटल एक्स तो जीरो हो जाएगा और कैपिटल वाई को जब जीरो करोगे तो वाई माइनस थ्री जीरो हो जाएगा, तो सेंटर कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा थ्री आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ, बोलिए? यहीं पे मैं अगर आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस,
तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो ही आ जाएगा। यहीं से मैं आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, सही है, तो कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो मतलब वाई इक्वल टू थ्री आ जाएगा। तो जहां जैसा रिजल्ट हमें चाहिए वहां वो रिजल्ट इंफॉर्मेशन वाइज यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस हार्डली उसको शिफ्ट किया गया है। तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के हिसाब से आप स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन और इसका कैलकुलेशन सबको समझ में आया ये बताओ। तो सबसे पहले आपने बस इसको कन्वर्ट कर लिया, यहाँ से 4 कॉमन किया, यहाँ से 9, और इसको आराम से परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन आते ही हमें दिख रहा है कि 25 बाई 4 25 बाई 9 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ए बी से ग्रेटर है इस बार, तो जो भी रिजल्ट है वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए लग जाएंगे। तो सबसे पहले सेंटर बताओ, तो सेंटर के लिए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई यूज कर लेना, ये कैपिटल एक्स हो जाएगा ये कैपिटल वाई, तो सेंटर कितना आएगा 0 0 के हिसाब से 2.1, देख लिया होगा सबने। अच्छा अगर इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे तो 1 माइनस लोअर बाई स्मॉलर होता है, तो लोअर इसमें क्या है 25 बाई 9 और ग्रेटर क्या है 25 बाई 4। जैसे ही सॉल्व करोगे तो रूट 5 बाई 3 आ रहा है क्या इसेंट्रिसिटी, देखो अरे हाँ या ना, दिखा भाई रूट 5 बाई 3 इसेंट्रिसिटी, नहीं यस नहीं आ रहा है। इसके बाद फोकस बताओ इसमें क्या आ रहा है, फोकस इसमें क्या होगा प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो होता है, हाँ है ना, तो यानी कि एक्स माइनस टू को हमें क्या लिखना है प्लस माइनस ए, ए मतलब फाइव। अच्छा यहाँ पे अगर आप ए देखोगे तो 5/2 होगा, बी देखोगे तो 5/3 होगा, ये ध्यान रखिएगा, सही है ना। तो 5/2 इंटू रूट 5/3 यही तो हुआ ए ई, बोलो भाई नहीं समझ में आ रहा। तो अगर आप फोकस में देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 प्लस माइनस 5 रूट 5 बाई 6, सही है, तो यानी फोकस का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 2 प्लस माइनस 5 रूट 5 बाई 6। अच्छा कैपिटल y को हमें क्या लिखना है 0, यानी कि y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 1.1। समझ में आया फोकस का कोऑर्डिनेट की नहीं बताओ। अच्छा यहीं पर अगर हम डायरेक्ट्रिक्स लिखना चाहें तो डायरेक्ट्रिक्स को क्या लिखेंगे बताइए, अगर आप डायरेक्ट्रिक्स के बारे में कमेंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगी इसमें, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, यानी कि प्लस माइनस ए का मतलब हो गया 5/2, ई का मतलब हो गया रूट 5/3, तो क्या ये 3 रूट 5/2 आ गया, देख लो प्लस माइनस के साथ। अच्छा कैपिटल एक्स क्या है एक्स माइनस टू प्लस माइनस 3 रूट 5/2, तो यहाँ से क्या आ गया 2 प्लस माइनस 3 रूट 5/2, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स आ गई। क्या ये सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। अच्छा अगर मैं लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम की बात करूं तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आप क्या लिखोगे बोलो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो 2b स्क्वायर बाई a हो जाएगा। अच्छा b स्क्वायर यानी कि 25 बाई 9 और a मतलब 5/2, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई, तो ये आ जाएगा 5 20/9 आ गया लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। अच्छा यहीं पे अगर मैं आपसे कहूँ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो वो 2a हो गया, 2a का मतलब 5/2 मतलब 5/2, तो 5 ही हो गया सीधे सीधे, दिख रहा है कि नहीं बताओ। अच्छा यहीं पे मैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात करूं तो वो 2b हो गया, सही है, मतलब 10/3। तो जहां जैसी इंफॉर्मेशन है वो आप लगाते चले जाएंगे। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो कर देंगे, यानी कि कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो यानी वाई इक्वल टू 1। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो मतलब एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि सेंटर का कोऑर्डिनेट 2.1। तो जहां जैसा रिजल्ट आपको लगाना है हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए वहां वो रिजल्ट आप लगाते चले जाएंगे, सिंपलीफाई करके अपना आंसर लिख देंगे, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा। जैसे पहला क्वेश्चन देखा, बोलिए OB जो है वो उसकी सेमी माइनर एक्सिस है, F और F डैश फोकस है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है B पे, मतलब अगर हम ये एलिप्स लेकर चलें ये F और ये F डैश है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा है, सही है। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा कहाँ पे, B पॉइंट पे F एंड F डैश,
सही है। तो अगर सिचुएशन लिया आप इस राइट एंगल ट्रायंगल की देखो, तो ये है, ये एफ और ये एफ डैश है और ये बी है, तो अगर ये 90 बन रहा होगा तो ये वाला एंगल पाई बाई फोर होगा, चूंकि ये अगर पाई बाई फोर एंगल होगा तो ये लेंथ कितनी होगी बी, और ये लेंथ कितनी होती है भाई ए ई, वन बाई रूट टू आ रहा है पहला आंसर, दूसरा पहला आंसर सही लग रहा है, वन बाई रूट टू। तो यहाँ से अगर हम 10 पाई बाई फोर की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए ई बाई बी हो जाएगा, यानी कि ए ई इक्वल टू बी के बराबर आ जाएगा, यानी b बाई ए जो है वो e के बराबर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो है वो e स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अच्छा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ही क्या होता है बोलो, 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर हो जाएगा नहीं, 2 ई स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो e जो है 1 बाई रूट टू आ जाएगा। दिखा, तो अल्टीमेटली आपने बस b बाई ए निकाल लिया, उसके हिसाब से सिंप्लीफाई कर दिया। समझ में आया पहला क्वेश्चन की नहीं, बोलो भाई। चूंकि ये एंगल पूरा 90 बन रहा था ये वाला, और ये क्या है परपेंडिकुलर है, और ये लेंथ सेम है, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो ये एंगल पाई बाई फोर हो गया, ये पाई बाई फोर हो गया, तो ये और ये लेंथ सेम हो गई, यानी बी ए इक्वल टू बी हो गई, बी बाई ए हो गया, स्क्वायर कर दिया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस ई स्क्वायर होती है, सब्स्टिट्यूट करके ई निकाल लिया। दिखा भाई, हाँ या ना। चलिए अगला बताइए, लेंथ ऑफ सेमी लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ सेमी लैटिस रेक्टम की अगर मैं बात करूं तो किसी भी इलिप्स के लिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के लिए, तो अगर मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेके चल रहा हूँ, कोई भी एक इलिप्स ले लो, तो अच्छा तो इसमें आप क्या करोगे, बी स्क्वायर बाई ए हो गया लेंथ ऑफ सेमी लैटिस रेक्टम, और वो क्या है 1/3 ऑफ दी मेजर एक्सिस, तो इस केस में मेजर एक्सिस कितना होगा ए, सही है, टोटल मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी 2a, उसका कितना हो जाएगा 1/3, ये रिलेशन दिया हुआ है। दिखा सबको कि नहीं रिलेशन, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, हाँ है ना, और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को आप क्या कहते हो 1 माइनस ई स्क्वायर, दैट इज 2/3, तो ई स्क्वायर कितना आ गया 1/3, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। तो अल्टीमेटली मैंने आपको क्या बताया कि आपको ए और बी का रिलेशन दिया होगा, उस रिलेशन में ही आप इसेंट्रिसिटी का केस लगा देंगे, दैट इज 1 माइनस रूट अंडर, अगर हॉरिजॉन्टल है तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अगर वर्टिकल है तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो जहां जैसी सिचुएशन रिक्वायर्ड होगी उसके हिसाब से आप ए बाई बी का रेशियो या बी बाई ए का रेशियो देखकर एनालिसिस कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ, तो ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो तो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से सारी चीजें लगा दो, वर्टिकल लगा रहे हो तो वर्टिकल के हिसाब से सारी चीजें लगा दो। तो अल्टीमेटली इस टाइप के क्वेश्चन में बस ए और बी के रिलेशन पे आपको फोकस करना है। समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। इलिप्स के केस में तो हम वो बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको इलिप्स की ज्योमेट्री ले लेता हूँ। ये आपने इलिप्स बना दिया, ये इलिप्स है आपके सामने, ठीक है। तो अब होता क्या है जो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे आपने इलिप्स की दोनों डायरेक्ट्रिक्स खींच दी, ठीक है, ये हो गई इलिप्स के आपने दोनों फोकस बना दिए, वो ये हो गए एफ वन एंड एफ टू। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी हो, ये डिस्टेंस होती है 2ae, और ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2a/e। दिख रहा है कि नहीं बताओ। अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस, इक्वेशन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज 2ae, मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इनटू इसेंट्रिसिटी। अगर मैं कहूं आपसे डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, तो वो हो जाता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बाई इसेंट्रिसिटी। ये दो रिजल्ट हैं, इनका यूज सबसे ज्यादा होता है। समझ में आया? तो जहां आपको जैसी इंफॉर्मेशन लगानी है वहां आप वो काम करके वो रिजल्ट लगा सकते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है, ये बताओ, बोलिए। 2a/e एंड 2a/e। अच्छा, इसके बाद अगला जो ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन है वो सेंटर के बारे में।
सेंटर जो है वो होता है मिड पॉइंट ऑफ फोकस F1 एंड F2। ये अगली इंफॉर्मेशन है कि सेंटर हमेशा F1 और F2 का मिड पॉइंट होता है। हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वर्टिकल के केस में अगर आप चल रहे होगे तो ये 2B हो जाएगा क्योंकि उसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस B 2B होती है, और ये 2B बाई E हो जाएगा क्योंकि उसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2B हो जाती है। तो वो एकदम ज्योमेट्री पर बेस्ड रिजल्ट है। इसके बाद अगला, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया ऑफ द एलिप्स पाई ए बी होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कई जगह यूज होता है, दैट इज एरिया ऑफ एलिप्स। इस पर बेस भी क्वेश्चन आते हैं, पाई ए बी जहां पर 2a एंड 2b आर लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो वो जैसी भी इंफॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से आप ये रिजल्ट लगा देंगे। तो एरिया ऑफ द एलिप्स जो होता है वो होता है पाई ए बी। इसका भी यूज कई जगह हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं ये बताओ। अच्छा, अगर मैं F1 F2 फोकस को लेके चलता हूँ, अगर मैं F1 F2 फोकस को लेके चलता हूँ तो एक रिजल्ट और यूज होता है, दैट इज F1 F2। वो रिजल्ट ऐसे आता है, देखो अगर मैं F1 F2 की बात करूँ तो वो रिजल्ट अगर यहाँ से देखोगे तो 2a ही हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, बोलिए। अच्छा, इसी रिजल्ट को आप 4a स्क्वायर e स्क्वायर बोल सकते हो, इसी रिजल्ट को आप 4b स्क्वायर माइनस, या ऐसे समझो 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर बोल सकते हो। इसी रिजल्ट को आप कह सकते हो 2a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो F1 F2 के बीच की डिस्टेंस आप ये भी बोल सकते हो, दैट इज मेजर स्क्वायर माइनस माइनर स्क्वायर। तो मेजर लेंथ और माइनर लेंथ का स्क्वायर, ये भी आता था 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, शॉर्टकट के फॉर्म में यूज हो जाता है कई जगह, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन फोकस। तो मेजर स्क्वायर माइनस माइनर, तो मेजर इज 2a माइनर इज 2b, तो मेजर स्क्वायर माइनस माइनर स्क्वायर भी लगा सकते हो। तो ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल रिजल्ट हैं जो सिचुएशनली आप यूज करेंगे तो आप अपने कैलकुलेशन को रिड्यूस कर पाएंगे, बस ये है। तो जहां जैसी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही होगी वहां वो इंफॉर्मेशन लगा के अपना काम कर सकते हो। क्या रिजल्ट दिख रहा है सबको, बोलो। इसके बाद तीसरा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है वो ये कि अगर आप इलिप्स की सरफेस पे कोई भी पॉइंट पी लेते हैं तो उसकी दोनों फोकस से जो डिस्टेंस होती है पी एफ वन प्लस पी एफ टू, ये डिस्टेंस जो है वो हमेशा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होती है। पी एफ वन मतलब पी पॉइंट ऑन द इलिप्स, पी जो है वो क्या है, पॉइंट ऑन इलिप्स, एंड एफ वन एंड एफ टू आर इट्स फोकस। तो हमेशा पी एफ वन प्लस पी एफ टू जो है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पी पॉइंट ऐसे मूव करता है कि उसकी दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट हो, तो उसे भी हम इलिप्स की कैटेगरी में ही डालते हैं, ठीक है। तो पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दैट इज 2a। तो इसको भी आप यूज करके अपना रिजल्ट सिंपलीफाई करके लिख सकते हो। तो पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू 2a। तो जहां आपको ये इंफॉर्मेशन यूज करनी वहां आप ये इंफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हो। देखिए सबसे पहली चीज, इलिप्स का सेंटर दिया हुआ है, ये चीज तो सही की है। इलिप्स का सेंटर 1,2 है, और अगर आप फोकस देखोगे तो सेम वाई पे है ना, सॉरी फोकस देखोगे एक तो 6,2 दिया हुआ, यही तो है। तो दूसरा वाला फोकस कितना हो जाएगा बताइए, ये 1 मेंटेन होना चाहिए, तो क्या ये -4,2 हो जाएगा, बस ये बताओ, बोलिए। तो इलिप्स जो है वो कुछ ऐसा बन रहा होगा बाय ज्योमेट्री।
नहीं क्या, यहाँ से पास कर रहा होगा, ये उसका सेंटर हो जाएगा। बाई ज्योमेट्री तो हम ये समझ ही गए। अच्छा, इस पर कोई एक पॉइंट हमें दिया हुआ है, कितना, 4.6, ये है सिचुएशन, दिखा कि नहीं। तो अगर हम इसकी इक्वेशन देखेंगे तो x माइनस वन का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, y माइनस टू का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन आ जाएगा। अब हमें बस a और b निकालना है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अगर अभी हमें पढ़ूं कि ये वाली जो डिस्टेंस होती है f1 और f2, है कि नहीं, ये डिस्टेंस अभी हमने पढ़ी कितनी होती है, ये हमने पढ़ी ना कि 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर का रूट होती है डिस्टेंस। तो f1 f2 का जो होल स्क्वायर होगा वो यही तो होगा, बताओ। अरे हाँ या ना, ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं, बोलो। तो अगर मैं f1 f2 के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा तो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, 8 ना, बोलो। F1 F2 के बीच की अगर आप डिस्टेंस निकालोगे, सॉरी, कितनी आ रही है, 10। सही है। तो यहां से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 25 आ गया, ये तो ओके है। अरे हाँ या ना। अब इसमें आप पॉइंट सेटिस्फाई कराओगे और फिर आंसर निकालोगे। मैं अगर थोड़ा सा, अभी आपने पढ़ा ना, किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस का अगर आप सम देखो, ये वाला भाई पॉइंट लाई करा के आप ए और बी में इक्वेशन बना के काम कर सकते हो। बट अगर हम ऐसे चलें, कैसे, कि पी एफ वन प्लस पी एफ टू, ये तो टू ए के बराबर होता ही है ना, तो ए डायरेक्ट नहीं निकल आएगा, ये बताओ। अरे हाँ या ना। अब पी एफ वन कितना होगा बताओ, अगर आप पी एफ वन की बात करो तो पी एफ वन कितना आएगा, बोलो, रूट अंडर 4 - 6 कितना हो गया, 2, 4 + 16 देख लो आराम से। और पी एफ टू कितना आएगा, 64 + 16, ये 2a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से a कितना आ रहा है, √20 + √80, हाँ या ना। तो अगर आप यहाँ से 2 बाहर करो तो 3√20 आ रहा है a, नहीं क्या, नो सर ये नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने फिर कैलकुलेशन, देखो आ गया ही, बस यही a उठा के यहाँ रख दो। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना हो गया, 25, तो b स्क्वायर कितना आ जाएगा, 45 - 25, क्या 20, अब आंसर आ जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर, y माइनस टू का होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर, सही लिख रहा हूँ ना, अब आंसर आ गया, दिखा, तो ठीक है। PF1, मतलब मैंने इस क्वेश्चन में बस इसका यूज बताया कि PF1 plus PF2 भी आप सोच सकते हैं, उसके हिसाब से भी आप चीजें एनालिसिस में ले सकते हैं, ठीक है। इस केस में पॉइंट इस पे लाई करा दोगे वो अच्छी बात है, और आप वहां से एनालिसिस कर सकते हो। अब अगर आपको दोनों फोकस और पॉइंट दिए और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपसे पूछ लिया गया, तो PF1 plus PF2 is 2a, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर एलिप्स की सरफेस पे है तो उसकी दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता ही होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसका कर लें तो रूट अंडर मेजर स्क्वायर माइनस माइनर स्क्वायर होता है, तो वो भी एक एनालिसिस है। सेंटर हमेशा इसका मिड पॉइंट होता है, तो दूसरा फोकस भी आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो, तो वो सारे एनालिसिस आप कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है sir? अगर यहीं पे मैं आपसे लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम पूछ लेता तो आपका आंसर क्या होता है, length of letter rectum that is 2b square by a होता है कि नहीं, बोलो। तो 2 × 20 और by a 3√5 रख देते हैं। अरे हाँ या ना। तो 40 / 3√5 आता कि नहीं, ये बताओ, बोलिए, क्योंकि ये भी सीधा वही रिजल्ट है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। यहीं पे अगर मैं आपसे एरिया ऑफ एलिप्स पूछ लेता तो आपका आंसर क्या आता है, एरिया ऑफ एलिप्स, बोलो, पाई ए बी, पाई ए, ए की मतलब 3√5 और बी का मतलब √20, तो यहां से जैसे आप तो क्या लिखते हैं इसको, 2√5 लिखते हैं ना, 5 / 3√5 यानी 6 30 पाई आ जाता। दिख रहा है कि नहीं भाई, इसेंट्रिसिटी ई कितनी आएगी, √1 - p² / a² भाई, स्मॉलर भाई लार्जर लिख दो, बोलिए,
जैसे इसको कैंसिल करोगे तो कितना बनेगा, 1 - 4/9। देखो 9 - 4 √5/3 आ रहा है क्या, देखो। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो आइडेंटिटी आ गई √5/3। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ? नहीं तो उनकी वैल्यू अगर मान लो थोड़ा टफ होती तो निकालने में टाइम लग जाता, 12 5 तो दिख गई ना। तो पहला रिजल्ट तो ये मिल गया, PF1 + PF2 इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 17। इसके बाद एरिया अगर हमें दिया हुआ है डेल्टा PF1 F2 तो वो कितना दिया हुआ है, PF1 × PF2 ये हमें दिया हुआ है 30 ना, तो इसका मतलब PF1 × PF2 कितना हो गया, 60। दूसरा रिजल्ट हो गया। दो इक्वेशन दो वेरिएबल हमें चाहिए क्या, F1 F2 ही तो चाहिए सर। अगर हम देखें F1 F2 का स्क्वायर जो है तो वो PF1 square + PF2 square के बराबर होगा, और इसको हम लिख सकते हैं PF1 + PF2 का होल स्क्वायर -2 PF1 PF2 लिख सकते हैं सर। ये हमको पता ही है कितना है 17, ये हमको पता ही है कितना 120। बोलो तो 17 कितना हो गया 289, 120 माइनस कर देंगे तो 169 बचेगा। यहाँ से F1 F2 कितना 13 आ गया, तो उसमें हम PF1 PF2 निकालने में टाइम वेस्ट ही नहीं करना, सीधा आंसर लिख देना। मतलब वही दो क्वेश्चन दो वेरिएबल से। हाँ वो तो ठीक है, मतलब PF1 PF2 अगर थोड़ा सा आसानी से दिख गया तो इसलिए कर दिया था, वरना फिर सीधे सीधे कर दिया। मतलब अगर वो चीज इक्वेशन बनाने में सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन लेंगे कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल और हमें F1 F2 निकालना है तो हम सीधा सिंपलीफाई कर सकते हैं बस। ये ठीक है, पहली चीज तो इस क्वेश्चन में ये ऑब्जर्व करनी थी कि सर्किल अगर सेंटर को सेंटर लेकर F1 F2 डायमीटर लेकर F1 F2 उसके लिए क्या होगा, डायमीटर होगा, तो उसको लेकर सर्किल जब खींचा गया तो एलिप्स को जहां कट करेगा वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, पहली चीज तो ये ऑब्जर्वेशन में थी। उसकी हेल्प से दूसरा PF1 और PF2 का सम लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है, दूसरा ऑब्जर्वेशन। इन दोनों ही ऑब्जर्वेशन को यूज करना था और आपको ये रिजल्ट निकालना था। हाँ भाई डायग्राम समझ में आया, बोलिए। ये एलिप्स बनाया जिसका मेजर एक्सिस AB ले लिया, माइनर CD ले लिया, F उसका एक फोकस ले लिया, OFC एक ट्रायंगल बनाया जिसमें ये लेंथ 6 दी होगी, ये मान ली B है, मेजर एक्सिस A है, और इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया जिसकी इन रेडियस 1 है। कितनी इंफॉर्मेशन हमको पता है, दिखा क्या? लेंथ आएगी 2.5 और OF आपको दे रखा है, OF आपको पता ही है, OF स्क्वायर इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, पता है ना ये? यस सर। तो यहां से OF के बारे में यानी A और B में एक रिलेशन तो आपको सीधा ही मिल जाएगा कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज 36। बोलिए, अब दोनों में से कोई एक चीज आप निकाल लेंगे तो दूसरी चीज आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, जो हमें कैलकुलेट करना है वो है AB × CD, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है 4AB, 2A × 2B, ठीक है ना? बेसिकली A और B की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ये है सिचुएशन। तो बस इन रेडियस का फॉर्मूला लगा दो, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है ना डेल्टा बाई स्मॉल s, तो डेल्टा हो गया उस ट्रेंगल का एरिया, तो 1/2 B × 6 ले लो तो वो आ जाएगा 3B, दिखा? बेस इनटू हाइट। अच्छा अगर ये B है ये 6 है तो पेरीमीटर के हिसाब से ये लेंथ कितनी आ जाएगी, B² + 36, तो जो स्मॉल s आएगा वो आ जाएगा A + B + C / 2, नहीं समझे? अच्छा इन रेडियस 1 दे रखी है, डेल्टा आपने निकाला 3b, 2 पर मल्टीप्लाई कर दो तो B + 6 + √B² + 36 हो गया, दिख रहा है कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, बोलो? तो √B² + 36 = 3, क्या ये 6 - 5b हो गया, बस ये बताओ, बोलो। यहाँ से अगर स्क्वायर ओपन करोगे तो B² + 36 = 25B² - 60B + 36 होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, दिखा? यहाँ से आप कह सकते हो क्या 24B² = 60B,
तो बी जीरो तो हो नहीं सकता, तो 60/24 आ गया। 60/24 का मतलब कितना, 5/2। देखो भाई, तो b की वैल्यू आ गई 5/2। क्या ये बात समझ में आ रही, b इज 5/2 बोलो। तो अगर b की वैल्यू 5/2 है तो b की वैल्यू 5/2 यहाँ रख दो, तो a स्क्वायर इक्वल टू 36 + 25/4। तो a स्क्वायर कितना, कितनी आ रही है, 169/4। तो a कितना, 13/2। अब a और b दोनों आ गए, 4ab की वैल्यू निकाल लो, तो 4 × 5 × 13/4 आंसर इज 65। क्या है, मेरी पूरी बात समझ में आई? तो बस एक रिलेशन यही था, डेल्टा इज इक्वल्स टू आर बाई एस लगाना था आपको इन रेडियस का। ये एक एक्स्ट्रा रिजल्ट था, डेल्टा एरिया एस इज सेमी पेरिमीटर। ये मैंने आपको वैसे वहां लिखवाया स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, क्योंकि सेकेंड सेगमेंट में क्वेश्चन इसी पे आता है। तो अगर मैं इलिप्स की ज्योमेट्री पे चलूं, तो इलिप्स में क्या होता है कि पैरामेट्रिक पॉइंट निकालने के लिए इसेंट्रिक एंगल जनरेट किया जाता है, तो उसमें एक ऑक्सिलरी सर्कल वर्ड आता है। ये अगर एक इलिप्स है, ठीक है, तो इलिप्स में क्या होता है कि मेजर एक्सिस को डायमीटर मानकर एक सर्कल खींचा जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, ये क्या होता है, मेजर एक्सिस एज अ डायमीटर। तो मेजर एक्सिस को डायमीटर मानकर एक सर्कल खींचा गया, जिसे हम नाम दे देते हैं ऑक्सिलरी सर्कल का। ठीक है, तो इस ऑक्सिलरी सर्कल की सरफेस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो ये उसके लिए एक थीटा एंगल बन जाता है, जहां पे इस थीटा एंगल को कहते हैं इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, इस एंगल के हिसाब से अगर ये ए है तो ये ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा होगा। इसी पॉइंट को इलिप्स पे ड्रॉप किया जाता है। अगर मैं इलिप्स की बात करूं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इक्वल टू वन, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाता है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। यही पैरामेट्रिक पॉइंट होता है एट थीटा, समझ गए? तो पैरामेट्रिक पॉइंट एट थीटा फॉर इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो वो होता है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, जहां पे थीटा इसेंट्रिक एंगल होता है और जो कि ऑक्सिलरी सर्कल पे करस्पॉन्ड पॉइंट लेता है बस। तो भाई ज्योमेट्री चीज ध्यान रखो, बाकी यूज आपको बस इस इसेंट्रिक एंगल, इस इसेंट्रिक पैरामेट्रिक पॉइंट का ही करना है। तो उसको आप ए कॉस थीटा बी साइन थीटा लेकर अपने रिजल्ट को लिख सकते हो। तो अगर आपको इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दी हुई है, ये वाला एलिप्स है आपके लिए, तो उसका पैरामेट्रिक पॉइंट ये होता है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। तो जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां पर हमें सेम पॉइंट यूज करके काम कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो थ्योरी एकदम सेम है जो हमने पढ़ी है। कैसा, अगर एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, सही है, और एक पॉइंट है x1, y1, तो हमने अगर f x1, y1 निकाला और वो पॉजिटिव आया तो पॉइंट क्या है, आउटसाइड द इलिप्स है, वो एकदम सेम थ्योरी है। और अगर यही पॉइंट आपने इलिप्स की इक्वेशन में रखा और ग्रेटर देन जीरो आ गया तो पॉइंट कहाँ है, इनसाइड द इलिप्स। ठीक है, और यही अगर एफ एक्स वन वाई वन आपने निकाला और वो जीरो आ गया तो पॉइंट कहाँ है, ऑन द इलिप्स। वही सेम जो आपने थ्योरी कहाँ पढ़ी है, पैराबोला के केस में, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि कोनिक सेक्शन में सेम यही रिजल्ट आप लगा देंगे।
तो पॉइंट की लोकेशन आप आराम से जज कर सकते हैं कि आपका पॉइंट इनसाइड है, आउटसाइड है, या ऑन द एलिप्स है. उसके हिसाब से वो एनालिसिस वही है सेम जो आपने पढ़ा है. डन, तो पॉइंट डिसाइड हो गया. अच्छा, अब अगर मैं आपसे वही सेम बात करूं कॉर्ड के लिए, सेम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट एक्स वन वाई वन फॉर एलिप्स, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? सेम टी इक्वल टू एस वन, फिर मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड निकालना, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना. वो एकदम वैसे ही है जैसे आपने पैराबोला केस में सीखा है. तो मैंने आपको जनरल कोनिक के रिजल्ट बताई हैं, तो वो आप वहां पे वही सेम रिजल्ट लगा देंगे. ठीक है ना? अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की एट एक्स वन वाई वन फॉर एलिप्स एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो, तो वो आप सीधे क्या लिखते हैं? टी इक्वल टू जीरो. बट कंडीशन ये है कि ये जो पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए? ऑन द कॉनिक. ये भी रिजल्ट वही सेम है जो आपने पढ़ा है. वो कहाँ पे? एलिप्स के केस में. तो इसमें भी कोई खास अंतर है नहीं. तो ये भी सेम वही रिजल्ट है जो पैराबोला में आपने पढ़ा था टी इक्वल टू जीरो का. ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि जैसे तो वही टेंजेंट की इक्वेशन टी इक्वल टू जीरो लगा के आप सेम रिजल्ट निकाल देंगे. अब टी लिखना तो हम जानते ही, तो टी इक्वल टू जीरो हम लिख लेंगे. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने का भी तरीका एकदम वही है. ठीक है, अब इसमें जो यूज होते हैं रिजल्ट वो ये है कि जैसे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पैरामीट्रिक पॉइंट, ये शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं यूज हो जाता है. फॉर एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो वो यूज हो जाता है. दैट इज एक्स कॉस थीटा बाई ए y sin theta by b equal to 1. ठीक है, वही सेम x x1 y y1 पैरामीट्रिक पॉइंट थीटा ले लिया आपने, a cos theta b sin theta, सही है ना? तो ये इक्वेशन आप अलग से कई बार कैलकुलेशन रिड्यूस करने में यूज कर लेते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए. क्लियर? अब आता है इक्वेशन ऑफ m स्लोप टेंजेंट. Equation of m slope tangent for ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1. तो वो होती है y equal to mx plus minus root under a square m square plus b square. अब वही y minus y1 x minus x1 आ जाएगा, तो आप उसको use कर लेंगे. तो अगर ellipse की equation ये है, तो उसके लिए m slope tangent अगर आपको assume करनी है और आपको slope पता है, तो आप सीधा ये एज्यूम करते हैं. क्लियर? तो आप आराम से सीधा यही टेंजेंट एज्यूम करेंगे और जैसा एनालिसिस आपको करना होगा वो आप आराम से कर लेंगे. ठीक है ना? अब अगर मैं यहीं पे बात करूं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटर पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन to standard equation of ellipse. Standard equation से मेरा मतलब है x square by a square, y square by b square equal to 1. बहुत ज़्यादा अल्फा और बीटा आ जाए, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है. सबसे पहला काम क्या करोगे? राइट m स्लोप टेंजेंट चाहिए. फिर पॉइंट, सेकेंड स्टेप क्या होगा? पॉइंट p x1 y1 lie on tangent, वहां से हम एक इक्वेशन बनाएंगे m में, और इसी इक्वेशन के दो रूट हो जाएंगे क्या? m1 and m2. ये एकदम मेथड ध्यान रखिएगा. अब यहीं पे अगर आपको टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है तो भी m1 m2, मतलब कोई भी ऐसा एनालिसिस आपको करना है, तो आउटर पॉइंट से सेपरेट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिखनी है,
तो वो आप आराम से लिख लेंगे y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम वन और एम टू। तो ये एकदम फैक्ट है, बट ये काम आप केवल तब करेंगे, मतलब तब क्या करने के लिए, तभी आपसे कहा ही जाएगा जब स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन एलिप्स का दे दिया गया, तो उसके लिए एम स्लोप टेंजेंट आप लिखना जानते ही हैं, तो वो लिखेंगे और इसके बाद उस पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे, एम में क्वाड्रेटिक बना के सीधा रिजल्ट आप लिख देंगे। तो इसमें क्या होगा, एक आउटर पॉइंट होगा पहले और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगी, या तो इस फॉर्म में होगी या फिर वो x माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा, तो उसमें दोनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आप सबसे पहले m स्लोप टेंजेंट लिखेंगे और इसके बाद पॉइंट को लाई करा के m में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, वहां से आप सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लिख देंगे। अब आपसे एंगल भी पूछा गया तो भी आप काम कर सकते हैं, समझ में आया कि नहीं, कोई भी रिजल्ट एक्स वाई जेड आपसे पूछा गया तो उसके हिसाब से आप एनालिसिस करके वो आंसर दे सकते हैं, सही है। तो ये आउटर पॉइंट से टेंजेंट निकालने का एकदम स्ट्रेट मेथड है, इसमें आपको कहीं कुछ दिमाग ही नहीं लगाना और कुछ ज्यादा कुछ करना भी नहीं होता, सिंपल इतना ही काम आप करेंगे हर सिचुएशन में आपका आंसर आ जाएगा। जहां जैसा एंगल पूछा गया, लेंथ पूछी गई, तो जो भी पूछा गया वो आप काम करेंगे, आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। अब लास्ट आता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, एट एक्स वन कॉमा वाई वन फॉर इलिप्स, सेम स्टैंडर्ड इलिप्स है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, सही है। और ये जो एट एक्स वन वाई वन की बात की गई है, ये ऑन द इलिप्स है पॉइंट, सही है। तब सेम मेथड हमने पढ़ाई है, तो इसको हम लिखते हैं वही एक्स माइनस एक्स वन बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी स्क्वायर, या तो ऐसे लिख लो या कुछ किताबों में रिजल्ट ऐसे भी लिखा मिलेगा, एक्स अपॉन एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन बाई बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस है ना शायद, हाँ, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा मिलेगा। और यहीं पे अगर मैं बोलूं एट पैरामेट्रिक पॉइंट, मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पैरामेट्रिक पॉइंट थीटा में अगर मैं बोलूं, तो एक्स वन की जगह रख देंगे ए कॉस थीटा, वाई वन की जगह ए साइन थीटा, तो रिजल्ट आ जाता है ए एक्स सेक थीटा, सही है, प्लस बी वाई कॉस सेक थीटा और इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे शायद माइनस आता है फॉर्मूले में, ये एक्स एक्स वन क्योंकि ये वाई वाला टर्म इधर आएगा ना, तो ये माइनस आ जाता है। बस तो ये आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जहाँ जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे, बट एट अ पैरामेट्रिक थीटा का यूज आपको पता होना चाहिए और एक्स वन वाई वन पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये वही हमने जी और एफ सी वाला जो फॉर्मूला बनाया था वो लिखा है, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, एक्स बाई एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई बाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जहां जैसी इंफॉर्मेशन आप लगाएंगे वो रिजल्ट आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? अच्छा, इसके बाद ये तो बताने की जरूरत एक्स्ट्रा में थी नहीं वैसे, लेकिन फिर भी लिख लो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो वो तो आपको पता ही है टी इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है टी इक्वल टू जीरो, ये रिजल्ट वही सेम हो गया। और अगर मैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट आकर कहीं बोल दूं फ्रॉम आउटर पॉइंट पी टू कोनिक एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, सेम एस भी कह सकते हैं, तो हो जाता है एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, ये भी यूज हो जाता है। इस रिजल्ट को भी लिख लीजिए,
इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन यूज नहीं होती है। तो अभी हमने पढ़ा ना कि एम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 2 दी हुई है, बी की वैल्यू 5 दी हुई है, और चूंकि लाइन क्या है पैरेलल है तो m कितना दे रहा है 3/4, वजह ही सारी वैल्यू। तो y इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स प्लस माइनस रूट अंडर 9/4 इंटू 4 प्लस 25, 4 कैंसिल, 25 और 9 34 आ जाएगा। देखो m स्क्वायर आएगा 16 आएगा यार, यहाँ नहीं बोलो तो 4 y is equals to 3x plus minus root under 109, ये आ रहा है देखो। तो यहाँ से आएगा 3x minus 4y plus root under 109 और 3x minus 4y minus root 109 equal to, ये दो टेंजेंट आ रही हैं। क्या ये बात समझ में आ गई, ये बताओ। अरे हाँ या ना, ये बात क्लियर है। अच्छा अब अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करूँ तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया ना। मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1 y1 है, तो टेंजेंट क्या लिखोगे, x x1 by 4 y y1 by 25 equal to 1। अब उठा के क्या कर दोगे, कंपेयर है कि नहीं। तो अगर हमने टेंजेंट पहली वाली ले ली 3x minus 4y plus root under 109 equal to 0 और इसके लिए हमें आंसर लिखना है, तो कंपेयर कर लोगे कि नहीं बोलो। ये इसको कंपेयर कर दो तो x x1 by 4 plus y y1 by 25 minus 1 equal to 0, तो 3 by x1 into 4 minus 4 by y1 into 25 is equals to root 109 by 1। तो यहाँ से x1 कितना आ जाएगा बताओ, 12 by root 109 और y1 कितना आ जाएगा 100 by root 109। क्या है बात समझ में आ रही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की, बोलो। अरे हाँ है ना, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितना आ गया 12 बाई 109 कॉमा माइनस 100 बाई रूट 109। एम आई करेक्ट और नॉट, बोलिए भाई। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकाल रहे हैं, बात कंपेयर कर पा रहे हो कि नहीं बताओ भाई। ऐसे दूसरी वाली टेंजेंट के लिए निकाल लेंगे, मेथड समझ में आया कि नहीं। तो अगर आपको टेंजेंट दी है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है तो सीधा t इक्वल टू 0 लिखो x1 y1 मान के और गिवन लाइन के साथ क्या कर दो कंपेयर, क्योंकि दोनों कॉन्साइड होंगी ना, क्योंकि दोनों टेंजेंट है। जैसे ही कॉन्साइड करोगे आपको x1 y1 की वैल्यू मिल जाएगी। क्या कहते हो भाई, अरे बताओ भाई, समझ गया सर। ऐसे ही दूसरी वाली टेंजेंट के लिए निकाल लोगे तो वही सेम है, स्लोप दिया हुआ है हमको, है ना। एलिप्स के बारे में ए और बी पता ही है, तो इक्वेशन तो चाहो तो लिख ही लो, y इक्वल टू mx लिख सकते है ना, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कोई भी एक टेंजेंट ले लो, कोई भी इलिप्स की कोई भी एक टेंजेंट पिक कर लो तो उसका इंटरसेप्ट आप निकाल लो, बस ये है क्वेश्चन, है कि नहीं। और इसी ट्रेंगल का आपको एरिया चाहिए, तो मान लेते हैं भाई ये टेंजेंट है y इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाती है बोलिए। जैसे आप y को 0 रखेंगे तो शायद ही आ जाती है रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एम, हाँ या ना। और ये वाली लेंथ कितनी आ जाती है जैसे आप किसको x को 0 रखो, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये इस ट्रेंगल का एरिया कितना आ जाता है, एरिया आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2m ना, बस तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m, ये एरिया आपको चाहिए। m क्वेश्चन में दिया है माइनस 4/3, ए स्क्वायर दिया 18, बी स्क्वायर दिया 32, बस यही वैल्यू उठा के रख के सिंपलीफाई कर दी, क्या आएगा आंसर बताइए। तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, यस सर। एक हाफ में कर रहा हूँ, दूसरा आप आराम से कर लीजिएगा, मैं ये वाला सॉल्व कर देता हूँ, सही है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एफ एक्स वन वाई वन निकाल लिया,
तो वो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब आपको मिल गया पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड द एलिप्स। अच्छा अब हमें एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन तो पता है कि नहीं, क्या पता है, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट लिख लेंगे, बताओ। तो y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पे लाई करा देंगे कौन सा पॉइंट, 2, 3। तो जैसे ही लाई कराओगे तो 3 माइनस 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9 आएगा, देखो बोलिए। अब इसी को सॉल्व कर दो तो 4m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 9 इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9 आएगा, 9 और 9 कैंसिल हो, यहाँ से सॉल्व करोगे तो 12m स्क्वायर प्लस 12m इक्वल टू 0 आएगा, देख लो आराम से। तो m इक्वल टू 0 माइनस 1 बना गया। तो अब बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दो, क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ भाई, पॉइंट आपको दिया हुआ है ना, तो y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, एक बार इसको 0 कर दो, y माइनस 3 x माइनस 2 एक बार इसको माइनस 1 कर दो, यही दोनों टेंजेंट आ गए। तरीका समझ में आया कि नहीं, ऐसे आप अगला वाला पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट बताओ? यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में वही सेम काम करोगे कि नहीं भाई? सबसे पहले आप देखोगे तो x स्क्वायर बाई 5 बाई 3 y स्क्वायर बाई 5 बाई 2 इक्वल टू 1। तो सबसे पहला काम 1, 2 पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड है, ये तो चेक हो जाएगा ना, लाई आउटसाइड द एलिप्स, ये चेक हो गया। जैसे ये डिसाइड हुआ कि आउटसाइड द एलिप्स है, तुरंत एम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे और उस पर 1, 2 लाई करा के एम में क्वाड्रेटिक बना लेंगे। तो वो तो क्या हो जाएगी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें क्या लाई कराएंगे, 1, 2 लाई कराओ, क्योंकि सब स्टैंडर्ड ही फॉर्म में चल रहा है ना। जैसे ही 1, 2 लाई कराओगे तो 2 माइनस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 बाई 3 एम स्क्वायर प्लस 5 बाई 2, सही लिख रहा हूँ मैं, ये देख लो बस। बोलिए भाई, समझ में आ रहा होगा आपको, बोलिए। तो ये आ जाता है शायद एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इंटू 6 इक्वल टू 10m स्क्वायर प्लस 15। तो 4m स्क्वायर तो ऐसे आएगा और माइनस प्लस शायद 24m हो जाएगा, है ना, और माइनस का 9 इक्वल टू 0। देखो ये आ रहा है क्या, इसी के रूट m1 और m2 होंगे, तो यहाँ से अगर हम m1 प्लस m2 निकालेंगे तो आएगा माइनस 24/4। देखिए सही है ये, m1 m2 निकालोगे तो माइनस 9/4। अब हमें क्या चाहिए, 10 थीटा चाहिए, m2 upon 1 plus m1 m2 होता है। तो अगर हम इसको देखें तो लिख सकते हैं ना, root under m1 plus m2 का whole square minus 4 m1 m2 by 1 plus m1 m2, बस सारी वाली उठा कर दो, m1 plus m2 आ जाएगा कितना, 6 होता है क्या, 10 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, सही लिख रहा हूँ मैं, तो 1 प्लस m1 तो 1 प्लस m1 m2 तो माइनस 9/4। अब जरा सॉल्व करो कितना आ रहा है, रूट 45 यानी कि 3√5 बाय 5 4। देखो 12 बाई रूट 5 आ गया, या जो कितना आ गया 10 इनवर्स 12 बाई रूट 5। तो वही है, अगर आपको स्लोप आपने निकालना है तो m1 m2 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी लिख सकते हो, एंगल भी निकाल सकते हो, तो वो सारी चीजें आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? इन जनरल लोकस में टेंजेंट की बात करेगा, है ना, और जनरल पैरामेट्रिक पॉइंट में ले लीजिएगा।
तो हमें लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्ट की बात करनी है। तो ऑब्वियसली अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन है, तो इसके लिए अगर हम टेंजेंट एट थीटा बोलें तो हमें पता है ना वो एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू वन होता है। अब इस टेंजेंट का अगर हम एक्स और वाई इंटरसेप्ट डिस्कस करेंगे, इस टेंजेंट का अगर हम एक्स और वाई इंटरसेप्ट देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ना एक्स बाई ए सेक थीटा वाई बाई बी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन। बोलिए तो ये कितना आ जाएगा, ए सेक थीटा कॉमा जीरो, ये आ जाएगा जीरो कॉमा बी कॉसेक थीटा। इसी का मिड पॉइंट आपको लेना था एच कॉमा के, इसका लोकस चाहिए। तो टू एच कितना हो गया ए सेक थीटा और टू के कितना हो गया बी कॉसेक। अब यहीं से एच और के कोऑर्डिनेट करना है, अब तो हो जाएगा, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाली तो शायद ए बाई टू एच आ गई, और साइन थीटा की वैल्यू निकाली तो बी बाई टू के आ गई, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। यहीं से आंसर आ गया ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, दैट्स इट। दिखा कि नहीं लोकस, तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड आपने निकाल दिया। सो मिड पॉइंट ऑफ द टेंजेंट पोर्शन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, पोर्शन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस आराम से सॉल्व हो जाता है भाई। सिंपल सी बात है ना, जब भी आपको टेंजेंट का डिस्कशन करना हो और लोकस में उसको लेना हो तो पहले अप्रोच पैरामीट्रिक की है। नॉर्मल का डिस्कशन करना हो उसको लोकस में लेना हो तो पहली अप्रोच पैरामीट्रिक है। बस वही अप्रोच लगा के जो एनालिसिस करना वो कर लीजिए भाई। सिंपल सा थॉट था ना क्वेश्चन करने के लिए, क्या था, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो टेंजेंट किसी आउटर पॉइंट पी से डाली गई है जो कि थीटा ऑन थीटा एंगल मेजर एक्सिस से बना रही है, और इस केस में मेजर एक्सिस क्या होगा बोलो, एक्स एक्सिस होगा कि नहीं, यस सर, तो एक्स एक्सिस से बस। तो एम वन एम टू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर इसमें आप कहोगे तो मेजर एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, तो ऑब्वियसली अगर उससे थीटा वन थीटा टू बना रहा है तो एम वन आपको क्या दिया हुआ है टेन थीटा वन, और एम टू आपको क्या दिया हुआ है टेन थीटा टू। एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर आपको थ्री दिया हुआ है, यानी एम वन एम टू में अगर हम रिलेशन निकाल लें तो लोकस निकल आएगा। तो लेट पी पॉइंट हमने एच कॉमा के ले लिया, तो पहला स्टेप क्या होता है एम स्लोप टेंजेंट प्लस टू एम एच, और उसमें एच के लाई कराते हैं, यही तो करते हैं। तो वाई इक्वल टू, ये आउटसाइड है, और ये आउटसाइड क्यों है ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो टेंजेंट है ना जो कि अलग अलग एंगल बना रही, तो ये आउटसाइड है। तो प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर, ए कितना दिया हुआ है रूट टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पे एच कॉमा के क्या करेंगे लाई कराएंगे, तो यहाँ से क्या आएगा के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू टू एम स्क्वायर प्लस वन, यहाँ से एच स्क्वायर एम स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस टू आ जाएगा क्या, देखो टू माइनस एच स्क्वायर एम टू एम स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस टू भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, तो एच स्क्वायर माइनस टू इंटू एम स्क्वायर माइनस टू के एच एम प्लस के स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो आ गया। यहाँ से एम वन प्लस एम टू कितना आ रहा है टू एच के बाई एच स्क्वायर माइनस टू, एम वन इंटू एम टू कितना आ रहा है के स्क्वायर माइनस वन बाई एच स्क्वायर माइनस टू। अब हमको कंडीशन क्या दी हुई है एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर इज थ्री, इसका मतलब एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर माइनस टू एम वन एम टू, ये थ्री होगा। आप सारी वैल्यूज उठा के रख दो, दिख रहा है कि नहीं भाई, बोलिए यस सर, यही आपका लोकस हो जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ है ना, एच को एक्स और के को वाई से रिप्लेस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कहानी समझ में आई कि नहीं आई बताओ, वही सेम लॉजिक लगाया आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट का, बस इसमें क्या था कि वो जो स्लोप दिए हुए हैं ना टेन थीटा वन टेन थीटा टू वो स्लोप बन गए, तो यानी कि एम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन लिखी आउटर पॉइंट एच के लाई कराया, वहां से एम ए क्वाड्रेटिक आई, एम ये दोनों स्लोप को ही रिप्रेजेंट करती है क्योंकि हमें स्लोप की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए नहीं, तो एम वन प्लस एम टू निकाल के एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर को डील कर लिए, अभी एच के का रिलेशन आ गया, यही लोकस हो गया। तो
इलिप्स तो आपके ऊपर है, आप कैसा भी इलिप्स ले सकते हो, डजंट मैटर। तो बस एक इलिप्स कंसीडर, अरे यार तो बस एक इलिप्स कंसीडर कर लो आप, और उस इलिप्स में क्या ले लो, लेटस रेक्टम का एक एंड ले लो, तो वो शायद होता है बी स्क्वायर ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, बताओ ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। वहां पे आपको खींचना है नॉर्मल, और वो नॉर्मल दूसरे एंड से पास करना चाहिए माइनर एक्सिस की, ये है कहानी। मेरी बात समझ में आ रही सबको कि नहीं आ रही, बताओ। ये पास करना चाहिए जीरो कॉमा माइनस बी से, तो ये रिजल्ट आपको चाहिए। अब बताओ नॉर्मल एट एक्स वन वाई वन लिखा है ना आज की क्लास में हमने, तो नॉर्मल एट ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए लिख सकते हो कि नहीं, एक्स अपॉन एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एम आई करेक्ट और नॉट ये बताओ। तो ए और ए कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स बाई ई माइनस ए वाई, बी से बी भी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, को ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख दे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा एक्स माइनस ई वाई इक्वल टू कितना, ए ई क्यूब। देखो ये तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, ये कहाँ से पास कर रहा है, जीरो कॉमा माइनस बी से, लाई करा दो, तो इसका मतलब बी ई इक्वल टू ए ई क्यूब, तो यहाँ से क्या आएगा ई स्क्वायर इक्वल टू बी बाई ए, तो ई की पावर फोर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको आप क्या कहते हो वन माइनस ई स्क्वायर, तो ई की पावर फोर प्लस ई स्क्वायर क्या आ गया वन, दिखा कि नहीं बताओ। नहीं समझे, यही तो कहा गया था आपसे कि नॉर्मल एट द वन एंड ऑफ द लेटस रेक्टम कहाँ से पास करता है, पासेस थ्रू वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। तो लेटस रेक्टम की पहले के एंड पे एक्स वन वाई वन पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, ए बाई एक्स बाई एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई बाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेके, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया, दिख रहा है कि नहीं। बोलिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखो जरा, एट पी थीटा पे, तो वो क्या होता है, यहाँ से अगर ए देखोगे तो रूट 14 है, बी देखोगे तो रूट 5 है, तो रूट 14 एक्स सेक थीटा माइनस रूट 5 वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आता है, दिखा सबको कि नहीं बताओ। अच्छा यही नॉर्मल कहाँ से पास कर रहा है, क्यू टू थीटा से, क्यू टू थीटा का मतलब क्या हो गया, रूट 14 कॉस 2 थीटा एंड रूट 5 साइन 2 थीटा, ये इस पे लाई कर रहा है, यही तो है सिचुएशन, बताओ। तो क्या ये 14 कॉस 2 थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 5 साइन 2 थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 9 बचा। अब हमें कॉस में ही क्वाड्रेटिक बनानी है, तो 14 टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा लिख लो, और इसको 10 कॉस थीटा इज इक्वल टू 9, अब तो बन गई ना इक्वेशन, 28 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 14 माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 कॉस थीटा, देखो तो 18 cos square theta minus 9 cos theta minus 14, इसी को सॉल्व कर लेंगे हम, बोलिए, यहीं से हम cos theta निकाल लेंगे, अरे हाँ या ना बताओ। तरीका समझ में आया कि नहीं, ऑब्वियसली थीटा पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखी हमने, और उस पर दूसरा थीटा पॉइंट लाई करा के cos theta निकालना था, तो cos में क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसमें पैरामीट्रिक फॉर्मेट में हमने किसकी इक्वेशन यूज की है, नॉर्मल की,
तो वही है, अगर ये इक्वेशन दिमाग में नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, ये वाली इक्वेशन तो दिमाग में होगी ना, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर, उसमें बस एक्स वन वही ए कॉस थीटा बी साइन थीटा रख देंगे।